नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। क्या आप जानते हैं कि कुछ गलतियां भविष्य में बड़े पछतावे का कारण बन सकती हैं? आइए जानते हैं वो 5 गलतियां जिन्हें भूल कर भी ना करें। पहली गलती, निवेश के बारे में। निवेश में सबसे महत्वपूर्ण है वक्त। जितना लंबा वक्त देंगे निवेश उतना बढ़िया रिटर्न देगा। इसमें एक खास बात का ध्यान रखना है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ब्याज पर ब्याज का फायदा मिलता है, साल दर साल ये सिलसिला चलता जाता है। ऐसे में जरूरी है कि आप बच्चों के भविष्य के लिए निवेश की शुरुआत जल्द से जल्द करें और देर ना करें। दूसरी गलती, भविष्य के खर्चों का अनुमान। यह सबसे मुश्किल काम होता है जिससे माँ बाप जानबूझकर नहीं करते, बल्कि गलती से ऐसा हो जाता है। बच्चे के भविष्य के लिए भारत में खासकर 2 चीजों का ध्यान रखा जाता है, पहला है बच्चे की शिक्षा और दूसरा है उसकी शादी। ऐसे में आपको इसका बेहतर अंदाजा लगाना होगा कि जब बच्चा बड़ा होगा और उसे एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत होगी, यह भी सही अंदाजा लगाना होगा कि उसकी शादी के लिए कितना पैसा खर्च हो सकता है। कोशिश करें कि उम्मीद से ज्यादा पैसे बचाने या निवेश करें ताकि दिक्कत ना हो। तीसरी गलती है महंगाई को भूलना नहीं है। हर साल महंगाई बढ़ती जाती है जिसकी वजह से चीजें महंगी होती चली जाती हैं। जब आपको 15 साल या 20 साल बाद के हिसाब से निवेश या बचत के बारे में सोचना है तो उसका कैलकुलेशन करते वक्त महंगाई को भी ध्यान में रखें। आज जितने रुपए में कोई शिक्षा मिलती है, 15 से 20 साल बाद उतने रुपए में शिक्षा नहीं मिलेगी। चौथी गलती, निवेश का गलत इंस्ट्रूमेंट चुनना। निवेश के लिए सही इंस्ट्रूमेंट चुनना जरूरी है। मान लीजिए कि आपकी अपनी बेटी की शादी को ध्यान में रखते हुए निवेश कर रहे हैं, तो आपको उसी हिसाब से निवेश का ठिकाना चुनना चाहिए। आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं जिससे बेटी की शिक्षा और शादी दोनों का इंतजाम हो सकता है। ऐसा ना करें कि FD में पैसे लगा दें या शेयर बाजार से कमाई करने की सोचने लगे। निश्चित अवधि में गारंटेड रिटर्न चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट भी वैसा ही चुनें। पांचवी गलती है खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग ना करना। अधिकतर माँ बाप ये गलती करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में इतना चिंतित हो जाते हैं कि वह अपने भविष्य के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। कई माँ बाप तो ये सोचकर अपने लिए पैसे नहीं बचाते या निवेश नहीं करते कि उनका बच्चा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। अपने भविष्य के बारे में ना सोचना सबसे बड़ी गलती है। बच्चों के भविष्य का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करें ताकि बुढ़ापे में कोई दिक्कत ना हो। तो ये थी 5 गलतियां जो आप बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग में ना करें। सही जानकारी और सही आदतें ही बच्चों को एक मजबूत वित्तीय भविष्य दे सकती हैं। धन्यवाद।